दोस्तों, ये है रिक हैंसन। ये वही इंसान है जिन्होंने 1985 में व्हीलचेयर पर बैठकर दुनिया ट्रैवल की। जी हाँ, व्हीलचेयर पर बैठकर इन्होंने 34 कंट्रीज को ट्रैवल किया और 24,901 माइल्स को कवर अप किया, यानी के अप्रॉक्सीमेटली 40,075 किलोमीटर्स को कवर अप किया। इनका मकसद था फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के एटीट्यूड में बदलाव लाया जाए और कुछ फंड्स इकट्ठा किए जाए ताकि इन लोगों की मदद हो सके। 1987 में वो इस ट्रैवल को, इस जर्नी को ख़त्म करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है ये सब उन्होंने कैसे किया, तो इनका जवाब बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। वो कहते हैं कि रैदर देन फोकसिंग ऑन 24,901 माइल्स जो कि उन्हें कवर करना था, आई सिंपली थॉट ऑफ टेकिंग वन सेशंस एट अ टाइम। जी हाँ, एक टाइम में सिर्फ एक सेशन के बारे में सोच रहे थे और उस सेशन में 23 माइल्स कवर होंगे। ऐसे दिन में 3 सेशंस प्लान थे। ये था उनका जवाब। रिक हैंसन का जवाब सुनने के बाद हम सिर्फ यही कहेंगे, छोटी छोटी जीत आपके बड़े जीत को आकार देती है। स्मॉल विक्ट्रीज ऑलवेज लीड टू द लार्जर वंस। आज दुनिया रिक हैंसन को मैन इन मोशन वर्ल्ड टूर के नाम से जानती है। और अगर आप लोग ऐसे ही कुछ पहचान बनाना चाहते हो तो याद रखिए, टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट ऑफ।